विदिशा जिले के गंज बासोदा में नशे के अवैध कारोबार करने वाले पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर आम लोगों में काफी गुस्सा है। इसको लेकर गुरुवार को सुबह के समय बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को ज्ञापन SDOP भारत भूषण शर्मा को दिया था। उसके बाद आम नागरिकों के दबाव के चलते दोनों थाने की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में नशे का कारोबार करने वाले करीब 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपितों से मादक पदार्थ भी जब्त किए। पुलिस ने आरोपितों को न्यायालय में पेश कर दिया। प्रेस वार्ता के दौरान SDOP भारत भूषण शर्मा ने बताया कि दोपहर के समय कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए 28 वर्षीय अंकुर जैन को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि अच्छी उसकी तलाशी लेने पर 6 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। एक आरोन का एक खान का नाम आया हुआ है, उसी लिए टीम हमारी देहात थाना प्रभारी की रवाना कर रहे हैं। अभी आरोपियों को न्यायालय भेजा गया है, डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में फिर वहाँ आरोन की टीम भेजी जाएगी। सर, आरोपी जो पकड़े गए हैं उनको मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया? उनको मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया? वो न्यायालय का भी समय है, न्यायालय भेजने का भी समय था। बड़ा लंबा समय होता है, NDPS के एक्ट की कार्रवाई में काफ़ी समय लगता है, इस कारण उनको न्यायालय भेजना ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। कौन है आरोपी सर? इसमें अंकुर जैन, संजय शर्मा और कमानी महाराज और हनुमंत सिंह और विनय अहिरवा। क्या लगता है ये कार्रवाई आगे भी निरंतर चलेगी या कुछ दिन बाद? इससे अधिक ऊर्जा के साथ हमारे दोनों TI, शहर TI और दया TI, इससे अधिक ऊर्जावान होकर और भी काम करेंगे। सर, 8 दिन पहले